नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए भी कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ तीन मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करेंगे। वीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से, भूपेश शर्मा है टेक्निकल एनालिस्ट है बीकानेर से, और साथ ही राहुल मेहता होंगे हमारे साथ आगे, सिल्वर एम्पोरियम के MD हैं, जिनसे हम चांदी का आउटलुक जानेंगे। चांदी में जिस तरह की तेजी दिख रही है, क्या कुछ हो रहा है घरेलू बाजार में, आगे क्या कुछ होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत गोल्ड के साथ कर लेते हैं। गोल्ड में भी अच्छी तेजी है, कल इंटरनेशनल मार्केट में तेजी दिखी थी, आज घरेलू बाजार में तेजी है। भूपेश जी बताइए, गोल्ड को लेकर आपका आउटलुक क्या है, क्या सलाह दे रहे हैं आप? जी नमस्कार विश्वन जी, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में कल के बाजार में एक अच्छी तेजी देखी गई थी इंटरनेशनल मार्केट में, आज भी एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। और मैं कहूंगा कि कॉमेक्स के लेवल के हिसाब से 2448 का लेवल पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं MCX के लेवल्स की बात करें तो 70,250 के ऊपर जब तक गोल्ड वायदा ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें तेजी का रुख जारी रहेगा। मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में 70,650 और 70,800 तक के लेवल आसानी से देखे जा सकते हैं शाम के सत्र। ओके, और चांदी को लेकर भूपेश जी क्या आउटलुक है? चांदी आज जबरदस्त तेजी के मूड में यहाँ पे दिख रही है घरेलू बाजार में, 2,000 रुपए ऊपर है, क्या करना चाहिए अब? हालांकि इंटरनेशनल मार्केट पर दबाव जरूर दिख रहा है क्योंकि कल अपने बाजार बंद थे, अब क्या करना चाहिए यहाँ पर 82,000 के आसपास? जी सर, चांदी में मेरा गोल्ड के कंपैरिजन में एकदम कॉन्ट्रेरी व्यू रहेगा और मैं कहूंगा कि चांदी के बाजार में बिकवाली करनी चाहिए करंट भाव पर। करंट भाव 81,980 का है और 82,400 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसमें 81,500 और 81,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो बाजार में गैप अप ओपन हुआ है, बाजार जब तक 82,400 के ऊपर नहीं निकलते तब तक इंट्राडे में मुझे नहीं लगता कि सिल्वर का बाजार स्पेशली तेजी करना चाहिए। ओके, तो आपको भी लग रहा है कि सिल्वर का बाजार, सुबह 10 बजे जो हमारे गेस्ट थे उनको भी लग रहा था कि यहाँ पे मुनाफा जो आपके मिल रहा है आप इसे वसूल कर जाए। वीरेन सर आप बताइए, गोल्ड पर आपकी क्या राय है? गोल्ड में अभी भी थोड़ा प्रीमियम बरकरार है, बट आज के लिए इंट्राडे के हिसाब से शाम के सत्र में 70,800-900 आसपास में शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा और टारगेट 70,200-300 के आसपास का रहेगा। आज का बाजार नेचुरली ही ओवर रिएक्शन थोड़ा लग रहा है क्योंकि काफी समय ऐसा देखा गया है कि जब इंडियन मार्केट बंद हो और फॉरेन के मार्केट चालू हो तब आर्बिट्रेज इन्वेंटिंग MTM एडजस्टमेंट ये सब के देखते हुए इंडियन मार्केट थोड़ा ओवर रिएक्ट करते हैं। आज के लिए पर्टिकुलर मेरा सेल साइड का रुझान है और शाम के साथ सेल करके आ जाए 70,900 पे, 70,300 दिख सकता है। आज के लिए ये राय है वीरेन जी की। वीरेन जी आप अब चांदी पर बताइए, चांदी की इस तेजी में आप क्या सलाह दे रहे हैं? आज 2,000 रुपए ऊपर है, इंटरनेशनल मार्केट में कमजोरी दिख रही है, हालांकि ये कल अपने यहां बाजार बंद था उसका असर है, अब क्या करें 82,000 पर? ऐसा यहाँ भी वेट करूंगा, 83,500 के आसपास अगर मिलता है एक दो दिन में तो वहाँ शॉर्ट साइड का ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस 86 का रहेगा। जो फर्स्ट मूव जो आया था 98 से 78 तक का, यानी 20,000 की मंथी के बाद ये करेक्टिव मूव आया है, करीबन बॉटम से हमने 4,000-5,000 तक का मूव देखा है। तो ये इसको मैं कोई बड़े पिक्चर में कोई बदलाव नहीं देख रहा हूँ, डिमांड साइड टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग है तो मैं यहाँ भी थोड़ा शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा, बट शाम के सत्र में मुझे एक्शन ज्यादा दिखता है के सत्र में आपको ज्यादा एक्शन दिख रहा है। चलिए, लेकिन सिल्वर के कारोबारी है राहुल मेहता जी, MD है सिल्वर एम्पोरियम के। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला। सर चांदी में आज जबरदस्त तेजी है घरेलू बाजार में, 2,000 रुपए ऊपर है। सबसे पहले आप बताइए कि आपके स्टोर्स में किस तरह की डिमांड की रिपोर्ट आ रही है चांदी में? चांदी की जैसे ड्यूटी घटने के बाद में जो ओवरऑल मार्केट में तो रिस्पॉन्स आ रहा है और इन्वेस्टमेंट के तरह भी काफी अच्छा आ रहा है क्योंकि प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। नीचे 78,500 से लेके 79,000 में काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आई है और फिजिकल कंजप्शन डिमांड भी काफी चल रही है। ओके, और भाव के हिसाब से कैसा लग रहा है सर? 82,000 रुपीज है, 2,000 रुपए 80 का भाव, 82 हो गया है, इस भाव पर क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
ये जो भाव चल रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है 84,000 तक आ सकता है, मगर नीचे में चांदी 77,000 तक की नीचे में आने की गुंजाइश है। तो ओवरऑल मैं अगर इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग करनी है तो 77 से लेके 78,000 एक अच्छा आइडियल रेट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने के लिए। अपसाइड में मुझे ये साल में 94,000 के आसपास चांदी लग रही है। ओके, 94,000 तक आपको चांदी यहाँ पर लग रही है, और नीचे में संभावना आपको लग रही है कि 77,000 रुपये तक चांदी आ सकती है, ये आपका व्यू है। लेकिन एक डेटा है गोल्ड इंपोर्ट और सिल्वर इंपोर्ट के, गोल्ड इंपोर्ट के जो डेटा है अप्रैल से जुलाई के दौरान, उसमें करीब 4.25% की कमी आई है। गोल्ड इंपोर्ट घटकर 1264 करोड़ डॉलर का हो गया, लेकिन चांदी इंपोर्ट इस दौरान बढ़ी है अप्रैल से जुलाई के दौरान। हालांकि दाम दोनों के बढ़े थे, दोनों ही गोल्ड और सिल्वर दोनों ने रिकॉर्ड बनाए थे इस दौरान, लेकिन चांदी के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, क्या वजह आप मानते हैं राहुल जी? चांदी के जैसे गवर्नमेंट ने जब ड्यूटी घटाई है तो काफी लोग चांदी में ये प्राइसेस में बहुत अट्रैक्टिव हो गई है। इस साल में जिस तरह से हम लोग डिमांड देख रहे हैं और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट डिमांड कंजप्शन डिमांड दोनों आ रही है, चांदी के इम्पोर्ट इस साल रिकॉर्ड स्तर पे होने वाले हैं। अभी ड्यूटी कट के पहले के पीरियड की बात बता रहा हूँ, अप्रैल से जुलाई के दौरान की बात कर रहा था, तो वहाँ पर क्यों इंपोर्ट में इतनी बढ़ोतरी हुई? क्या भारत और यूएई के जो एफटीए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस रूट की वजह से चांदी ज़्यादा आया है, इस वजह से इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, या लोगों को चांदी पर अब ज़्यादा भरोसा हो रहा है? जी, लोगों को चांदी में, चांदी एक वॉलेटाइल कमोडिटी है मगर ये प्राइस इसके काफी अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। काफी इंडस्ट्रीज में जैसे ईवी व्हीकल्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जीज हो गए, जो नए सेक्टर्स है जहाँ पे काफी अच्छी डिमांड चल रही है और वो ग्रोथ सेक्टर्स है, उसमें चांदी की यूज होती है। तो एक चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी, जो मेजोरिटी जो कंजम्पशन होता है इंडस्ट्रियल के लिए होता है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ की है चांदी के प्राइसेस को सपोर्ट करती है, और ये लोग तो लोग ये मानने लग गए हैं कि ओवरऑल देख रहे हैं कि चांदी में अच्छी खासी तेजी भी आगे बनेगी। ये स्तरों पे चांदी ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन लिया हुआ है तो ये रेट पे काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो भी चीज एक बहुत मायने रखती है चांदी की इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, शुक्रिया राहुल जी, आपकी बातों से ये साफ हो गया है कि चांदी में नीचे की भी संभावना 4-5 हज़ार रुपये तक की बन रही है, लेकिन ऊपर 94,000 तक जा सकता है। आप लंबी अवधि तक, अगर इस साल के अंत तक के टारगेट के लिए, अगर आप वेट कर सकते हैं, ये राहुल जी की राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक टेक आपसे वीरेन जी लेना चाहेंगे। गोल्ड इंपोर्ट में कमी दिखी है अप्रैल जुलाई के दौरान, हालांकि ये ड्यूटी कटौती के पहले के फिगर हैं, लेकिन चांदी इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है? खैर, चांदी के यूजेस बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, इसलिए, और जैसा राहुल जी कह रहे थे कि आगे भी रिकॉर्ड बम्पर इंपोर्ट होने की संभावना है चांदी की। बीच में तो जो जंप आया था, जैसे आप जानते हो, जो गिफ्ट सिटी टू नॉर्मल जो आर्बिट्रेज था 8% से 15% वाला, उस आर्बिट्रेज में काफी इंपोर्ट दर्ज हुआ, ये भी कारण है। दूसरा, एक सोने के मामले में मुझे थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि एफटीए का थोड़ा फायदा कुछ तो गोल्ड सोना, के पास भी है, गोल्ड भी इंपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड में उस दौरान कमी हुई थी। क्या गोल्ड के भाव रिकॉर्ड पे थे, इस वजह से इंपोर्ट कम हुआ था? गोल्ड में भी थोड़ा प्ले है ऐसा, जो आपके चैनल में काफी इसकी बातें हुई थी और उससे मुझे काफी इंसाइट भी मिली थी। प्लेटिनम एलॉय वाला जो बीच में आपने जिक्र किया था आपके चैनल के माध्यम से, प्लेटिनम एलॉय के रूप में थोड़ा बोर्ड आया है वाया गिफ्ट सिटी, तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की जो भी डिमांड है वो काफी हद तक ऑल्टरनेट रूट से, यानी मीन्स एलॉय फॉर्म या ड्यूटी प्ले आर्बिट्रेज प्ले के फॉर्म में सेटिस्फाइड हुई है। फिलहाल मार्केट थोड़ा रुका हुआ है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिवर को चल रही है कि भाई जीएसटी रेट में बदलाव आएगा या नहीं आएगा, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल रिटेल डिमांड थोड़ी खुली है। जो ड्यूटी कट का जो इफेक्ट आया था वो ऑलमोस्ट नलीफाई हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते, इस खबर से आगे बढ़ते मेटल्स की चाल देखते हैं, क्योंकि बेस मेटल्स में आज काफ़ी अच्छी तेजी है। जिंक देखिए 2.25% तेज है, 263 रुपये के करीब अब जिंक पहुंच रहा है। कॉपर 802 रुपये के आसपास,
2.25% की तेजी यहां भी। एल्यूमिनियम देखिए 1.5% से ज्यादा की तेजी, 220 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। लेड में 0.5% की तेजी, 188 रुपए के आसपास। भूपेश जी बताइए, मेटल्स में जबरदस्त रफ्तार है, इस रफ्तार का कैसे फायदा उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए? जी सर, बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स के सभी बाजार अभी मुझे लगता है कि तेजी में रहने चाहिए। जब तक कॉपर और स्पेशली जिंक के बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और यहाँ से लगता है कि जब तक बाजार पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर रहेंगे तब तक इनमें तेजी बरकरार रहेगी। जैसे कि कॉपर की बात करें तो 796 के ऊपर जब तक कॉपर है तब तक इसमें तेजी जारी रहेगी। मुझे लगता है कि आज के दिन में 800 के नीचे कहीं भी कॉपर मिलता है तो 796 का स्टॉप लॉस लगाकर कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक का बाजार भी एक अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है तो जिंक में भी खरीदारी कर सकते हैं, पर जिंक तो ऑलरेडी 6 पॉइंट के आसपास बढ़ा हुआ है बाजार, तो जो कि रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता, इस हिसाब से मैं खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, परंतु किसी को भाव देखकर बिकवाली की सलाह भी नहीं रहेगी। बीरेन जी जबरदस्त तेजी के मूड में है बेस मेटल्स, क्या करना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इस काउंटर्स को? इसमें रिकवरी बाउंस है, स्पेशली जिंक काफी मजबूत लग रहा है। कॉपर में फिजिकल कॉपर प्रीमियम चाइना में मजबूत हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ थोड़ा सप्लाई कंसर्न बनेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल्स लैग है वहाँ। तो कॉपर में, जिंक में, एल्यूमिनियम में भी कुछ हद तक थोड़ी रिकवरी दिख रही है, बट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर यहाँ टेक्निकली और फंडामेंटल साइड दोनों का विचार करते हुए जिंक लग रहा है, जो मे भी 265-270 तक जा सकता है। टारगेट भेजे थे वो टारगेट अचीव हो चुके हैं, 263 के टारगेट, उसी के आसपास भाव है। अब अगला टारगेट 265-270 के आसपास दे रहे हैं बीरेन जी, तो उसके लिए स्टॉप लॉस आगे बढ़ाए या 254 का ही रखे? और ट्रेल करके 257 तक कर सकते हैं। अगर मैं इसको ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखूं फिबोनाची के हिसाब से, तो अगर 278 होल्ड कर गया, मार्केट ओवरकम कर गया, तो मे भी इसमें हम 289-310 तक का प्रीमियम देख सकते हैं, बट ये 4 से 6 वीक 5-6 वीक का यानी मीडियम टर्म। एक बार दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर, तो जिंक को लेकर ये व्यू है बीरेन जी का। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड स्क्रीन पर आपके दिख ही रहा है 1% ऊपर घरेलू बाजार में है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हल्की नरमी दिख रही है। $81 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है, 6,540 के आसपास MCX क्रूड ट्रेड कर रहा है। आप बताइए भूपेश जी, क्या कोई कॉल है फ्यूचर्स में, अगर ऑप्शंस में भी कोई रणनीति है तो वो भी बताइएगा। सर अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो 6,540 के आसपास के दाम चल रहे हैं, करंट भाव पर बिकवाली करनी चाहिए फ्यूचर में, और यहाँ पर 6,590 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 6,480 और 6,440 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। वहीं अगर ऑप्शंस की बात करें तो मैं ऐसे कहूंगा कि 6,500 का ATM का मतलब एड द मनी ऑप्शन खरीदना चाहिए अभी, जिसमें पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए सॉरी, और उसका स्टॉप लॉस तकरीबन 40 पॉइंट का लगाना चाहिए। नीचे में मुझे लगता है 90 से 120 पॉइंट मिलने की संभावना। तो या तो आप पुट ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में बेचने की सलाह है। 6540 पे पहला टारगेट है 6490 का, फिर दूसरा 6440 का, 6590 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। बीरेन जी आप बताइए आपकी राय क्रूड पर। क्रूड में फियर फैक्टर होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर में चल नहीं पा रहा है। नाइजीरिया में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी कल से ऑपरेशनल हुई, काफी बड़ा सप्लाई है ये, और थोड़ा रिसेशन है चाइना का, यूरोप में भी स्लैक है, अमेरिका में भी थोड़ा कूल डाउन है इकोनॉमी में, जो इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फोर्थ क्वार्टर में मे भी बाजार NYMEX तब में 60-65 तक जा सकता है। करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस पर आज दबाव दिख रहा है, 0.5% की गिरावट दिख रही है 186 रुपए के नीचे। भूपेश जी क्या कॉल है 186 के नीचे, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस करंट लेवल पर? जी सर, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस के चार्ट का स्ट्रक्चर ओवरऑल नेगेटिव बना हुआ है, और यहाँ पर मैंने पिछले हफ्ते में भी आपको सलाह दी थी कि ये बाजार 196 के ऊपर मुझे लगता है कि नहीं निकलना चाहिए,
और बाजार वहीं से टर्न अराउंड हुआ है, और अभी भी मैं विक्वाली की सलाह दूंगा, कहूंगा कि ये लैकलस्टर कमोडिटी है, सभी कमोडिटीज है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस 191 के ऊपर का रखें, नीचे में 180 और 176 के टारगेट आने वाले समय में संभावित है। तो ये भी नेचुरल गैस पर आपका है। बीरेन जी आप बता दीजिए क्या करना चाहिए, नेचुरल गैस को लेकर क्या राय बन रही है? यहाँ शॉर्ट साइड ले सकते हैं, बट काउंटर ऑफसेटिंग पोजीशन के लिए कॉल ऑप्शन एकदम नहीं या नियरदम नहीं लेना चाहिए। अब रशिया यूक्रेन वॉर कुछ अलग ही स्वरूप ले रहा है, तो जो शॉर्ट साइड है उसको प्रोटेक्ट करना, ऑप्शन के जरिए प्रोटेक्ट करना बेटर रहेगा, क्योंकि डेली वोलेटिलिटी इतनी है कि छोटे मार्जिन पर छोटे स्टॉप लॉस जल्दी। चलिए अब नेचुरल गैस के बाद अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज भी जीरे पर दबाव भी दिख रहा है, 25,300 के आसपास है, लेकिन धनिया और हल्दी ये दोनों काउंटर रिकवरी की कोशिश में हैं। सबसे पहले जीरे पर बताइए भूपेश जी क्या राय है, किस तरह की चाल आगे दिख रही है, क्या करना चाहिए? जी सर, जीरे का अगर बाजार देखा जाए तो जीरे का भी चार्ट स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इसका चार्ट भी काफी कमजोर है। बार बार बाजार ऊपर जाता है परंतु ऊपर में कहीं भी सस्टेन नहीं करता, तो मुझे लगता है कि अभी बाजार काफी ओवरसोल्ड पोजीशन में है, क्योंकि अगर मैं चार्ट ट्रेडिंग सेशन पहले देखूं तो जीरे का बाजार तकरीबन 26,700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो अभी 25,000 के आसपास है। तो मैं कहूंगा करंट भाव पर बिकवाली की सलाह तो नहीं रहेगी, परंतु इस बाजार को सेल ऑन राइज के मोड में रखना चाहिए। 25,700 या 25,800 के आसपास कहीं भी मिलता है वहां बिकवाली करें। अगर किसी को कॉन्ट्रेरी बाय करना है तो स्टॉप लॉस 25,000 के नीचे का रखें, परंतु तो टारगेट को विशेष नहीं रहेंगे, 25,500 25,700 के रहेंगे। आप बताइए सर जीरे को लेकर बीरेन सर आपकी राय क्या बन रही है? जो बांग्लादेश फैक्टर है इससे थोड़ा इफेक्ट आया है, एक्सपोर्ट डिसरप्शन में जो ट्रेड होते थे उसमें, चाइना में भी काफी स्लो डाउन है, तो वहां की डिमांड भी थोड़ी स्लो है, बट फिर भी फार्मर की सेलिंग इस भाव में थोड़ी कम है। जो 11,000 स्पॉट देखा है तो ये 5,000 5,500 के स्पॉट पे है, फार्मर सेलिंग रुक जाती है, थोड़ी फेस्टिव डिमांड भी मेरे हिसाब से निकलनी चाहिए, तो ये लेवल का जीरा फिजिकल साइड से थोड़ा अट्रेक्टिव है बाइंग के। धनिया में बताइए बीरेन जी क्या लग रहा है, धनिया बहुत काफी टूट चुका है, क्या कुछ यहां पर रिकवरी तेजी की संभावना आप उम्मीद कर रहे हैं? धनिया काफी कमजोर है, ऑलमोस्ट 500 600 रुपया एक वीक में कमजोर हुआ। ये मंदी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि लास्ट ईयर इसकी फसल काफी कम थी, तो ये समझ नहीं आ रही। कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये प्राइस डिस्टॉर्शन है इसमें, थोड़ी इसकी डिटेल एनालिसिस करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन पर बातचीत करने के लिए अरुण शेख सरिया साहब है हमारे साथ, एमडी हैं डीडी कॉटन के। अरुण जी बताइए क्या हो रहा है, कॉटन की रिपोर्ट क्या है? हालांकि रकबा जो है वो पिछले सीजन से करीब 8.5% कम रहा है, आगे भाव को लेकर आप लोग क्या अनुमान लगा रहे हैं, ग्राउंड की स्थिति क्या बन रही है फिलहाल? नमस्कार जी। नमस्कार। सोइंग तो लास्ट ईयर से कमती है, जो आंकड़े आ रहे हैं वो बराबर है, लास्ट ईयर से अबाउट 7 to 8% कमती होने की संभावना है। अभी नंबर्स में ज्यादा कोई बढ़त आने की संभावना कमती है, बिकॉज वी ऑलरेडी इन अगस्त एंड अगस्त था, सेकेंड हाफ अगस्त चालू हो गया है, तो इसमें अभी सोइंग और बढ़ने की गुंजाइश बहुत कमती है। वेदर काफी अच्छा रहा है, काफी अच्छा है अभी तक, इट इज वेरी गुड फॉर दी क्रॉप। सो ऐसा मानना है कि एकरेज कमती होने के बावजूद यील्ड अच्छी आने की संभावना है इस साल, तो क्रॉप के अंदर कोई ऐसा ज्यादा कमती होने की आशा कमती है नहीं ओके। है। लेकिन सर और साढ़े आठ मेनली परसेंट एरिया का यील्ड कवर कर लेगा क्या, इतना ज्यादा यील्ड है? नहीं, यील्ड में ऐसा है कि देखो 8.5% है, इसके अंदर आप तमिलनाडु का भी आप पकड़ोगे, वो समर क्रॉप भी आता है, तो एग्जैक्ट नंबर्स तो आना मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से क्रॉप के अंदर कुछ जो लास्ट ईयर की क्रॉप थी 3 के आसपास की थी, 3.25 3.40 3.35 की क्रॉप आई थी, जो आंकड़े नक्की किए थे सीओसी, वो आंकड़े
में ज्यादा कमी होने की संभावना कमती है। ओके, भाव को लेकर क्या लग रहा है सर? भाव काफी सप्रेस्ड है इंटरनेशनल मार्केट में भी, घरेलू बाजार में भी उम्मीद की जा रही है कि भाव आगे बढ़ेंगे, आपका अनुमान क्या कह रहा है? देखिए ऐसा है कि अगर आप यूएसडीए के नंबर देखेंगे, अभी 3-4 दिन पहले अनाउंस किए थे उन्होंने, सडनली 1 करोड़ 70 लाख से इन्होंने कमती कर दिया 1 करोड़ 50 लाख। अभी ये 1 महीने के अंदर उन्होंने एस्टिमेट कमती कर दी है। ओके, तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी शॉकिंग, बट उसके बावजूद जो प्राइजेज आए इसके वो 68.50 68.75 थे, उसके सामने अभी आज 67.20 हो गए। तो बाजार कमती हुआ 3% 2% 3% बाजार कमती हुआ। ओके, इसका इसके हिसाब से एक बात पक्की है कि क्रॉप बढ़े या घटे, जब तक डिमांड नहीं होगी बाजार में कोई भी इंक्रीमेंट या कोई भी प्राइस मूवमेंट आने की संभावना कमती है। ओके, ग्लोबली यही स्थिति है सब जगह, इन हिंदुस्तान में भी देख लीजिए, उधर भी देख लीजिए, सब जगह ये। ओके, और माल बिक नहीं रहा है। ओके सर, अब एक एंडिंग स्टॉक के जो नंबर है ग्लोबल वो काफी ज्यादा लग रहा है, 19-20 के बाद सबसे ज्यादा ग्लोबल एंडिंग स्टॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर, और तमाम जो बड़े प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा रहने का अनुमान लगाया गया, चाहे वो यूएस हो, ब्राजील हो, पाकिस्तान के भी नंबर क्लोजिंग स्टॉक्स के काफी बेहतर दिख रहे हैं, चाइना के भी बेहतर दिख रहे हैं, क्या लग रहा है इसका क्या असर होगा बाजार पर? देखिए इसमें 2-3 फैक्टर है, अभी जैसे आपने यूएसए का कहा, ब्राजील का कहा, इनके नंबर ज्यादा है क्योंकि शिपमेंट्स कमती हो रहे हैं, शिपमेंट स्लो है क्योंकि वेसल्स में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कंटेनर्स अवेलेबिलिटी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, इट ऑल्सो कन्फर्म्स कि भाई डिमांड नहीं है। आज अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो इसका एक ही मतलब है कि इसके पास भी माल होता है, मिलों के पास में हो या ग्रोअर के पास में हो या जिनर्स के पास में हो, माल की खपत कमती हो रही है। ओके, तो इसका ये एक अनुमान एकदम क्लियर है जी कि जब तक डिमांड नहीं आएगी, और वो तो नेक्स्ट कपल 3-4 महीने में आने की संभावना तो बहुत कमती है, और जब तक डिमांड नहीं होगी बाजार में कोई भी अफरा तफरी होने की संभावना बहुत कमती है। ओके, और हिंदुस्तान में तो टोटल फ्लैट फ्लैट प्राइस हो गया, क्योंकि फ्यूचर तो कुछ है नहीं हिंदुस्तान में, एमएससीएक्स एकदम बंद के जैसा ही है, तो अपने को ऑल द मिल्स दे हैव टू लिव विद फ्लैट प्राइस ओनली। ओके, शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या स्थिति है, क्या आप लोगों का अनुमान है, क्या रिपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉटन के बाद ग्वार की बात करते हैं। ग्वार में देखें तो आज सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन ग्वार का एक बड़ा बेल्ट बीकानेर जहां पर काफी बारिश हो रही थी। भूपेश जी आप बीकानेर से ही आते हैं, क्या स्थिति है फसलों को लेकर, कुछ रिपोर्ट फंडामेंटल बताइए आप ग्वार के। राजस्थान की पूरे की बात करें इंक्लूडिंग बीकानेर, तो अच्छी खासी बारिश यहाँ जो ग्वार सोइंग एरियाज में हुई है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छी खासी सोइंग देखो, जैसे अभी तक तो जो डेटा आ रहे थे वो लैकलस्टर थे ग्वार में सोइंग के, परंतु अभी मुझे लगता है कि आने वाले समय के जो डेटा आएंगे वो काफी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, और अच्छी खासी बिजाई ग्वार के क्षेत्र में देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि ग्वार में अभी भी आने वाले समय में ये जो प्रेशर है ये बने रहना चाहिए। 5,500 के नीचे बाजार अच्छा खासा प्रेशर दिखा रहा है, और लगातार बाजार में बिकवाली देखी जा रही है, बाजार इवन 5,400 के लेवल भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से। तो आने वाले समय में ग्वार में लगता है कि प्रेशर बने रहेगा। तो आपको लग रहा है कि ये प्रेशर बना रह सकता है ग्वार में आने वाले समय में भी। शुक्रिया भूपेश जी आपका, वीरेंद्र सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए।